तो कि एक बात क्लियर हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से हैट्रिक लगना तय है। और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी 3.0 दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2.0 से ज्यादा बिगर, स्ट्रॉन्गर और हायर होने वाले हैं। तो जी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से 390 और इसमें उत्तर प्रदेश के आंकड़े को आप देखिए 78 सीट्स, और ये 78 सीट्स दोस्तों 2014 के आंकड़े को भी बीट कर रहा है। मतलब बीजेपी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट है उत्तर प्रदेश में। तो अगर ये प्रोजेक्शन सही होते हैं तो एक बहुत बड़ी पिक्चर जो है वो आपके सामने होगी। और डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अजय जी कैसे हैं आप? दीपक झा कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्वयं पुरोहित जी जुड़ रहे हैं। स्वयं जी कैसे हैं आप? नेशनल सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन टीएमसी के जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ में अभिषेक झा जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। तो इस डिबेट की शुरुआत दीपक झा और डॉक्टर अजय आलोक आपके साथ करना चाहता हूं। दीपक झा, मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए कांग्रेस के खेमे में खलबली है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक डॉक्टर अजय आलोक एक भी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से डिक्लेयर नहीं करी है। इलेक्शंस कल अनाउंस होने वाले हैं दीपक झा, अगर हर जगह राहुल गांधी जी की हवा है हवा है हवा है तो अभी तक उत्तर प्रदेश में आपने एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं डिक्लेयर किया है? और जी न्यूज का ओपिनियन पोल भी बता रहा है कि एनडीए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आने वाले, मतलब भारत जोड़ो फ्लॉप शो। दीपक भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, सबसे पहली बात मैं आपको और आपकी जी न्यूज को बधाई देता हूं कि आप लोग ऐसे जनता का मनोरंजन करने के लिए शो करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप मनोरंजन नहीं, डेटा है, डेटा डेटा है, डेटा अजय आलोक को भी लाइफ में दिखाइए मेरे साथ में। सुनिए, अब आपने ये नहीं बताया कि सवाल क्या किया जनता से, महंगाई के मुद्दे पे क्या कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे क्या कहा, किसके मुद्दे पे क्या, तो सवाल नहीं बताया जनता का, सैंपल साइज नहीं बताया। मैं खैर इस पे नहीं जाऊंगा। जी न्यूज और प्रदीप भंडारी का ये शो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बताएगा बनाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, वो जो अभी आपके एक सहयोगी बता रहे थे ना, नरेंद्र मोदी जी चा लगा के दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि उनका वोटर गया तो गया कहां। नरेंद्र मोदी जी का वोटर गायब हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी को वोटर दूरबीन से भी नहीं मिल रहे हैं। और यहां तक इनके नेता, आप खुद देखिए प्रदीप भंडारी जी संन्यास लेने पे मजबूर हो चुके हैं। इनके नेता कह रहे हैं भैया हमको टिकट नहीं चाहिए, टिकट दे दिए तो टिकट भी वापस कर रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का परिवार कौन है ये देखिए ना, हत्यारे के बाप को आप अपना परिवार बता रहे हैं। लखनऊ में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जिसने गाड़ियां चला दी, किसानों की हत्या कर दी, वो हत्यारे का बाप नरेंद्र मोदी का परिवार है, नरेंद्र मोदी जी का लाडला है। तो क्या मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, भाजपा प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी का परिवार बलात्कार के दोषियों का परिवार है? दीपक जी आप समझ नहीं रहे मेरी बात, सुनिए 90 सेकंड तक आप बोले। अजय आलोक जी नकार चुकी है, ठीक है, शायद ये प्रोजेक्शन से दीपक जी थोड़े बौखला गए हैं या थोड़े चिंता में आ गए हैं। वो तभी हर उस मुद्दे की बात कर रहे हैं सिवाय जमीन की स्थिति की। वो कह रहे हैं अजय आलोक जी की जो आपकी पार्टी कर रही है मनोरंजन है, पर जमीन पे जी न्यूज का ओपिनियन पोल लगातार ये कह रहा है और ग्राउंड से जितना फीडबैक मैं भी ले पा रहा हूं, मैं चेस का चप्पा चप्पा घूमता हूं, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में माहौल होता हुआ दिख रहा है। पर दीपक जी तो कह रहे हैं कि भाई सब मनोरंजन चल रहा है, झूठ चल रहा है। और दीपक जी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी तीसरी बार नहीं पहली बार सत्ता के अंदर आने वाली है 10 सालों के अंदर, ऐसा ये कह रहे हैं। बोल रहे सब झूठ है, सब चैनल झूठ दिखा रहे हैं, अजय आलोक झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ है। देखिए प्रदीप जी, अब कांग्रेस की हालत बिल्कुल दयनीय और मतलब दया खाने वाली स्थिति पे कांग्रेस आ चुकी है। अब बताइए, लखनऊ में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वाराणसी में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, रायबरेली में नहीं मिल रहा है, अमेठी में नहीं मिल रहा है, गांधीनगर में भी खोज रहे हैं कि कहां से कैंडिडेट लाएं, और तो और पटना में कोई लड़ने को तैयार नहीं है, यहां पे खोज रहे प्रदेश अध्यक्ष किसको लड़वाएं। अब इसके लिए भी दोष मोदी जी को तो नहीं दीजिएगा ना। और जहां तक रही भाजपा की बात, तो एक बार बता देता हूं कि तय बीजेपी, जय बीजेपी, लय में बीजेपी और मोदी में है भारत, तो यहां पे तो कोई इश्यू ही नहीं है। आप 78 सीट हमें दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 80 की 80 यूपी में, जो कि 20% होता है 400 का, और 40 की 40 बिहार में, जो कि 10% होता है, 30% इसी दोनों प्रदेश से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कारण है कि मोदी के नेतृत्व में आज भारत और भारत की जनता विश्वास रखती है। उनके
करिश्माई नेतृत्व में वो आकर्षण है जो भारत की जनता को अपने आप खींचता है, फर्स्ट टाइम वोटर को खींचता है, युवाओं को खींचता है। वो देख रहा है कि भारत कैसे पहला पांच इकोनॉमी में आ चुका, वो देख रहा है कि भारत की कैसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होती जा रही है, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में नंबर वन है, आज की तारीख में कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते हैं, ट्रेन ब्लास्ट नहीं होता है, सिनेमा ब्लास्ट नहीं होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आम जनता को इफेक्ट करती हैं। उज्ज्वला योजना कितनी माओं को इफेक्ट करती है, इज्जत योजना कितनी बहनों माओं को इफेक्ट करती है। ये सब चीज पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था, तो ये मोदी जी की गलती नहीं है, ये काम करके दिखाया है, जमीन पर दिखते हैं। 4 करोड़ घर अगर गरीबों को दिया है तो उन गरीबों को मिला है और बिना भेदभाव के दिया है। आज मैं कह रहा सबको दिया है, सबका प्यार, सबका साथ, सबका विश्वास। मैं कह रहा हूँ आज दीपक झा जी को थोड़ा सा सदमा लगा, मेरे मित्र हैं, सदमा लगा है दीपक झा जी पर। मुझे बताइए एक सवाल है कि जो 2 सीट इंडिया अलायंस को यूपी में मिल रही है, क्या आप ये अश्योरेंस से कह सकते हैं कि गांधी परिवार की सीट होगी कि मुलायम परिवार की सीट होगी? और अगर इतनी बड़ी आपकी हवा है तो मुझे बताइए, हर दिन न्यूज में प्रियंका गांधी वाड्रा जी चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से चुनाव लड़ सकती है, अभी तक एक उम्मीदवार आप नहीं डिक्लेयर कर पाए उत्तर प्रदेश से, एक। देखिए प्रदीप भंडारी जी, मैंने मुझे बताइए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अभी तक एक उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर हुआ है? अरे कोई टिकट ही नहीं लेना चाहता है कांग्रेस का। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि चुनाव का अनाउंस हो गया क्या? चुनाव की डेट्स आ गई क्या? कल आने वाली है। आप देख, हमारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, अनाउंस हो गया, आपकी चिंता। सुनिए दूसरी बात, मेरे यहाँ काबिल प्रवक्ता अजय आलोक जी मित्र भी है मेरे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये झूठ बोलने में मोदी जी से भी आगे निकल चुके हैं, तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे आज इनके ऊपर कि भाई जुमलेबाजी करना सिर्फ मेरा घर है, अजय आलोक तुम इतने जुमले बोझी चमले पे बैठ के मत क्या करो। आप ये बताइए, सत्यपाल मलिक जी उपराज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने सवाल उठाया कि मैंने कहा था कि सेना को हेलीकॉप्टर दे दो, सेना को चार्टर्ड प्लेन दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मना कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा चुप रहो। तो एक उपराज्यपाल जैसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी सवाल करते, तो क्या उपराज्यपाल देशद्रोही हो जाते हैं क्या? आज तक उपराज्यपाल के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी जो यहाँ कह रहे, आज देश में धमाके नहीं हो रहे हैं, आज देश को इन्होंने ये नहीं बता पाया कि अति सुरक्षित एरिया में आरपीएफ के 350 किलो कहाँ से आ गए। डॉक्टर अजय आलोक और दीपक झा जी, सुनिए बात ये है, एक किताब थी, सुनिए एक किताब थी, मैं आ रहा हूँ स्वयं रोहित जी आपके पास और अभिषेक झा जी के पास। डॉक्टर अजय आलोक, एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो उसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति 80 दिन के अंदर पूरा दुनिया घूम के आ जाता है। यहाँ पे इसी तरीके से दीपक झा जी से जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो उसके पूछ अलावा हर 80 बातों की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ भैया, इतना समय हो गया है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं डिक्लेयर किए? एक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं डिक्लेयर हो पा रहा है? ये मैं अचंभित हूं। मुझे कई कांग्रेस के वेल विशर्स ने, एक चंदन करके कांग्रेस का वेल विशर है, एक दीपक जी आपके मित्र ने मुझे व्हाट्सएप किया अभी, जो डिबेट में आपके साथ आते हैं, कि वो चिंता में है, एक आदित्य करके वो चिंता में, ये व्हाट्सएप आया कि कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रही। मैं ये पूछ रहा हूँ अजय आलोक जी के पास आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ मेरे को स्वयं पुरोहित जी के पास आ रहा है। अजय आलोक, 5 सेकंड आपकी चिंता टीआरपी के लिए हो सकती है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम टीआरपी का ध्यान नहीं देते, हमारे लिए टीआरपी मैटर नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी के लिए टीआरपी है, भाजपा के लिए टीआरपी है कि भाजपा कहती है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे पॉपुलर है। मैं कह रहा हूँ चलिए, स्टार भी होते हैं, बॉलीवुड के लोग होते हैं। Z News.